देखिए, 2 साल, पूरे 2 साल गुजर गए हैं। 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी यक तरफा इकदाम जो हिंदुस्तान ने लिए हैं, कश्मीरी एक ओपन जेल में तब से पिस रहे हैं। ये नहीं कि उससे पहले को मामला ठीक थे, लेकिन अब तो वाजे कर दिया हिंदुस्तान की हुकूमत ने कि ना वो अक्वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को मानते हैं, ना ही ये नजर आता है कि वो जो पाकिस्तान के साथ उनके मुआहदे हैं, शिमला अकॉर्ड में साफ वाजे है कि वो ऐसा इकदाम नहीं उठा सकते। उसके बाद सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, वहां पे ना किसी को जाने देते हैं, और कश्मीरियों को एक इंसान से भी बदतर ट्रीटमेंट जो है वो 2 साल से मिल रही है। ये वजीर आजम पाकिस्तान ने बार बार, तमाम हुकूमत ने और तमाम पाकिस्तानियों ने ये बार बार बात की है कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा था और खड़ा रहेगा, और एक ही नुक्ते पे खड़ा रहेगा कि कश्मीरियों को हक़े खुद इरादियत मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। दुनिया के लिए भी हमें एक पैगाम देना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये उन्होंने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अक्वामे मुत्तहिदा ने ये वादा किया हुआ है कश्मीरियों से कि उनको उनका हक़े खुद इरादियत मिलेगा। कहाँ है वो दुनिया? इस वक्त हमेशा की तरह दोबारा से ये ज़रूरत है कि दुनिया मेरिट पे कश्मीरियों को इंसान समझते हुए उनको इंसाफ दिलाए, और पाकिस्तान इसमें जो कोशिश कर सकेगा वो करता रहेगा। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह कश्मीरियों को जल्द ही हिंदुस्तान के शिकंजे से आज़ाद करेगा, और पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा।